सिलिकेट से स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलिकेट? सबसे पहले आपके पास जो बचता है ना, दैट इज ऑफ SiO4-4, यही अपने पास सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्थो में शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर होगा 0, पायरो में होगा 1, साइक्लिक में होगा 2, सिंगल चेन सिलिकेट में होगा अपने पास साइक्लिक और सिंगल चेन सिलिकेट में होगा 2, और 2D सिलिकेट में होगा 3, और 3D सिलिकेट में होगा अपने पास 4, और आपको नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है उसको मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास मोनोवेलेंट ऑक्सीजन है दैट इज ऑफ A प्लस बाइवेलेंट ऑक्सीजन है दैट इज ऑफ B/2, और जो मेरे पास पावर होगी ऑक्सीजन की दैट इज ऑफ माइनस ऑफ A। तो बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आपके अपने एक्सक्लूसिव चैनल नीट बाबा जी पे, और एक और धमाकेदार टॉपिक लेके जिसका नाम है सिलिकेट। तो कई बार आपने देखा होगा सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल आ जाता है, कई बार उसका स्ट्रक्चर याद नहीं रह पाता, फॉर्मूला नहीं समझ में आता। तो हम आज बात करने वाले सिलिकेट की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ध्यान रखिए, पेन और नोटबुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं स्टार्ट सिलिकेट को, लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं सिलिकेट से स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलिकेट। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट। ये एट जो वर्ड अपन यूज किया है सिलिका के साथ, तो सिलिकेट वर्ड कब यूज करते हैं? जब भी आपके पास एक वाला कोई भी एसिड होगा, एक एसिड जैसे आपने नाम पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या आपके पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड हो गया, या कोई और एसिड हो गया जिसके साथ एक वर्ड यूज होता है, उसका अगर आप H+ आप रिमूव कर दोगे तो जो एनायन बनेगा आपके पास दैट इज ऑफ 8। तो 8 वाला अपने पास एनायन बनेगा। तो सिंपल सा आपके पास एक एसिड होता है दैट इज ऑफ H4SiO4, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड। तो ऑर्थो सिलिसिक एसिड में से जब आप कंप्लीट H+ रिमूव कर देते हैं, 4 ऑफ H+ रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास जो बचता है ना दैट इज ऑफ SiO4-4, यही अपने पास सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास होती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो SiO4-4 कुछ इस तरह से sp3 hybridize होता है, और sp3 hybridize होने के साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री जो अपने पास होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब मैं आपको एक शानदार बात बताने जा रहा हूं, तो बात ये है आपको समझना है कि जो सिलिकेट है अपने पास, चाहे वो कैसा भी सिलिकेट है, किसी भी टाइप का सिलिकेट है, आपको बस सिंपल सी एक बात दिमाग में रखनी है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ सिलिकेट एटम है या जो भी एनायन है उसमें सिलिका का नंबर है 1, ऑक्सीजन का नंबर है 4, और उसके साथ में यह बात आपको कह सकता हूं कि मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलिकेट है उनमें मेरे पास दो तरह की ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। या तो एक ऐसी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी जो किसी से भी अटैच नहीं है, मतलब कोई भी चेन नहीं बना रही, कोई भी साइकिल नहीं बना रही, किसी भी तरह से ऑर्थो या पायरो किसी भी टाइप का सिलिकेट नहीं बना रही, और एक मेरे पास ऑप्शन ऐसी होगी जो आगे कोई चेन में या साइकिल में कनेक्टेड होगी। इसको मैं बोलूंगा जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगी इसे बोलेंगे अपन मोनोवेलेंट, और जो किसी ना किसी से कनेक्टेड होगी उसे अपन बोलेंगे बाइवेलेंट। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मेरे पास टू डिफरेंट टाइप की ऑक्सीजन हो सकती है, मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट। अब हम आगे देखते हैं कि मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली मैंने बताया आपको कि अगर मान लो कि ये ऑक्सीजन किसी और दूसरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट से कनेक्टेड है तो इस ऑक्सीजन को मैं बाइवेलेंट बोलूंगा, बाइवेलेंट ऑक्सीजन मेरे पास होगा। और मान लीजिए कि बाकी कोई भी ऑक्सीजन मेरे पास कनेक्टेड नहीं है जिन पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रखा है तो इसको मैं मोनोवेलेंट बोलूंगा। तो मोनोवेलेंट मेरे पास ऑक्सीजन हो गया। तो अगर मैं सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिलिकेट में आपके पास क्या क्या है आप देखिए। देखिए एक सिलिकेट अपने पास जो है उसके अंदर नंबर ऑफ सिलिका जो है Si दैट इज ऑफ 1, मेरे पास एक Si का एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं मैं ऑक्सीजन, तो वो मेरे पास ऑक्सीजन का नंबर जो होगा दैट इज ऑफ 4, तो ऑक्सीजन का नंबर जो मेरे पास है वो 4 है। अब आप इस बात को समझिए कि ऑक्सीजन के पास कितने टाइप के हैं।
मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ऑक्सीजन, मोनोवेलेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दैट इज ऑफ ए। मुझे नहीं पता कि कितने मोनोवेलेंट और कितने बाइवेलेंट है, बट मैंने उसको मान लिया कि जो मेरे पास मोनोवेलेंट ऑक्सीजन है उनका नंबर है ए। नंबर ऑफ बाइवेलेंट ऑक्सीजन उसको अपन ने मान लिया बी। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो मोनोवेलेंट ऑक्सीजन होगा वो कंप्लीटली सिलिकेट स्ट्रक्चर में अकेला रहेगा, मतलब ये ऑक्सीजन किसी और के साथ शेयरिंग में नहीं प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो पार्टिसिपेशन होगा दैट इज ऑफ 100%। और इस मोनोवेलेंट बाइवेलेंट ऑक्सीजन की बात करूं तो डेफिनेटली बाइवेलेंट ऑक्सीजन जो होगा वो दूसरे सिलिकेट ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। ये बाइवेलेंट है, मतलब एक सिलिकेट सिलिका एटम यहां पर और एक सिलिका एटम यहां पर, तो इनसे कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली इसका जो एक सिलिकेट स्ट्रक्चर होगी, बेसिक स्ट्रक्चर होगी, उसमें जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज ऑफ 50%, या मैं इसको ए बाई टू भी लिख सकता हूँ। अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मेरा याद रखना है कि सिलिकेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा मेरे पास, ऑक्सीजन का जो नंबर होगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, दैट इज ऑफ इक्वल टू, या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन का जो नंबर होगा दैट इज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर। ए प्लस बी जो मेरे पास होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो अब मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, आपको उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और बाकी सारे सिलिकेट के जो फॉर्मूले हैं या जो भी स्ट्रक्चर है मैं इससे डिराइव कर सकता हूं, आराम से आप समझ सकते हैं कि आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, कैसी बनेगी। तो देखिए जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास सिलिकेट का होगा, बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट जो होगा उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, SiO, मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास मोनोवेलेंट ऑक्सीजन है that is of A plus bivalent oxygen है that is of B by 2, और जो मेरे पास power होगी oxygen की that is of minus of A। तो बस आपको एक basic formula याद रखना है कैसे, जो B मेरे पास है definitely मैंने बताया कि number of bivalent oxygen उसको मैंने B consider किया, और B का एक silicate structure में जो contribution होगा that is of 50%, और 50% को मैं B by 2 लिख सकता हूँ। और उसकी सिलिकेट की जो ए मेरे पास होगा वो मोनोवेलेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और डेफिनेटली मोनोवेलेंट ऑक्सीजन पे ही मेरे पास चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा एक बेसिक स्ट्रक्चर में उसको मैंने माइनस ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब बस आपको इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखना है। तो बाकी जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे पास सिलिकेट जो है उनको अपन कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए मैं एक बेहद शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये ट्रिक है तो आप कितना भी टिपिकल सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और नीट 2020 में इसके आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि अब तक इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बहुत कम बार पूछा गया। तो देखते हैं हम आगे कि डिफरेंट टाइप के अपन सिलिकेट को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट की। टाइप्स ऑफ सिलिकेट पे आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और टाइप्स ऑफ सिलिकेट को याद रखना है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है डेफिनेटली वो ओपी सर को जरूर जानते होंगे, तो मैं ओपी सर को फिर से याद कर लेता हूँ। ओपी सर है, आपको पता होगा कि ओपी सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, और डेफिनेटली उनका जो रैंक आया है वो 23 आया है। तो सिविल सर्विस में जो उनका रैंक है वो 23 है। तो आपको याद क्या रखना है कि ओपी सर, ओपी ओम प्रकाश सर सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए 23 रैंक के साथ। तो ओपी सर सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए 23 रैंक के साथ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ओ से आपको याद रखना है ऑर्थो सिलिकेट, पी से आपको याद रखना है पायरो सिलिकेट, सी से आपको याद रखना है साइक्लिक सिलिकेट, एस से आपको याद रखना है सिंगल चेन सिलिकेट, टू से आपको 2D सिलिकेट, और थ्री से आपको 3D सिलिकेट। ये आपको सिलिकेट के टाइप है, उनको सिलिकेट के टाइप को आपको याद रखना है। तो सिंपल से आपके पास कौन कौन से सिलिकेट हो गए, देर आर 6 टाइप ऑफ सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, सिंगल सिलिकेट, 2D सिलिकेट, 3D सिलिकेट। अब उसके बाद आपको लिखना है शेयर्ड ऑक्सीजन, ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है,
और उसके बाद आपको एक और वर्ड लिखना, दैट इज ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन और अनशेयर्ड ऑक्सीजन। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ क्लियरली कि अपने पास आपको जो नंबर याद रखना है वो कैसे याद रखना है, शेयर्ड ऑक्सीजन से जीरो से स्टार्ट करना, आपको वन पे जाना है, टू पे जाना है, थ्री पे जाना है, फोर पे जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर है वो कुछ इस तरह से याद रखना है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑर्थो पायरो साइक्लिक या सिंगल चेन सिलिकेट, ये दोनों सेम है तो इनके लिए मैं टू यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टू डी के लिए मैं थ्री यूज कर लेता हूँ, और जो 4D है अपने पास, सॉरी 3D है, उसके लिए अपन 4 यूज कर लेते हैं। तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन ध्यान रखना है, क्या होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्थो में शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर होगा 0, पायरो में होगा 1, साइक्लिक में होगा 2, सिंगल चेन सिलिकेट में होगा, अपने पास साइक्लिक और सिंगल चेन सिलिकेट में होगा 2, और 2D सिलिकेट में होगा 3, और 3D सिलिकेट में होगा अपने पास 4। और आपको नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है उसको कैसे याद रखना है, ध्यान रखिए कि अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है अपने पास, वो जो आपने नंबर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, उसको आप वापस से रिपीट कर दिए, बस रिवर्स करके 4 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 3 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 2 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 1 कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो बस आपको सिंपल सा ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि ऑफिसर की सिविल सर्विस में रैंक है 23, और उनमें ऑर्थो पायरो साइक्लिक सिंगल, एक ही बात है साइक्लिक और सिंगल में, 2D सिलिकेट और 3D सिलिकेट। अब अपने को याद क्या रखना है, शेयर्ड ऑक्सीजन 0, 1, 2, 3, 4, अनशेयर्ड ऑक्सीजन 4, 3, 2, 1, 0। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इनका जो बेसिक फॉर्मूला होगा ऑर्थो पायरो साइक्लिक सिंगल 2D और 3D का, वो कैसे बनाया जा सकता है, और आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्ड ऑक्सीजन का आता है, तो शेयर्ड ऑक्सीजन का क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दे कि पायरो सिलिकेट का स्ट्रक्चर जो अपने पास हो उसमें दो जो सिलिकेट में पास चेन है बेसिक चेन, उनमें शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर कितना है, तो आप डायरेक्ट बता सकती है 1। और मैं उसके अलावा जो फॉर्मूला इसका बनेगा, उस फॉर्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं उसको हम लिखते हैं। तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, तो डेफिनेटली मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास दे रखा है। तो बेसिक फॉर्मूला आपके पास है SiO(a+B)2-a। तो अपने पास फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला उसको यूज करते हुए मैं ऑर्थो सिलिकेट का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे पास जो सिलिकेट का फॉर्मूला होगा उसमें एक तो ऐसा ही होगा, उसके अलावा मेरे पास ऑक्सीजन होगा। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ ए कितना होगा और वैल्यू ऑफ बी कितना होगा उसे मुझे देखना है। तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली मेरे पास शेयर जो ऑक्सीजन है, जो मेरे पास ऑक्सीजन शेयर हो रहा है उसका जो नंबर है मेरे पास वो है 0। तो डेफिनेटली जो मैं शेयर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अनशेयर जो ऑक्सीजन है मेरे पास वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखने जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास शेयर ऑक्सीजन होगा उसका तो नंबर होगा 0, तो 0/2 लिखने का मतलब 0 ही होता है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि जो मेरे पास अनशेयर ऑक्सीजन है दैट इज ऑफ 4, और उसके पास पावर जो होगा वो भी 4 होगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। डेफिनेटली जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यही आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है सिलिकेट का, और इसे ही अपन ऑर्थो सिलिकेट कहते हैं, ऑर्थो सिलिकेट कहते हैं। अब मैं चलता हूँ पायरो सिलिकेट की डायरेक्शन में। तो पायरो सिलिकेट में मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला मेरे पास SiO, अब A की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज ऑफ 3, और B की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज ऑफ 1। तो मैं लिखूंगा 3+1/2 और -3। तो डेफिनेटली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरे पास सिंगल अगर सिलिकेट प्रेजेंट है तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा बेसिक वो ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। SiO-O- और O-, तीन ऑक्सीजन मेरे पास माइनस चार्ज के साथ प्रेजेंट है। डेफिनेटली मैंने इसीलिए बोला कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन इज 3। उसके बाद एक ऑक्सीजन जो मेरे पास है वो डेफिनेटली यहाँ पर हाफ है, मतलब एक ऑक्सीजन शेयर है, और ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो फॉर्मूला जो मेरे पास था, अगर मैं इस चेन को दो चेन के फॉर्म में ले लेता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या फॉर्मूला बनता है, Si2O7-6, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है Si2O7-6। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है Si2O7-6 में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्ड
जो ऑक्सीजन है वो कितना है। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि मैंने बेसिक फॉर्मूले से किस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया और किस तरह से मैंने इसका फॉर्मूला बनाया। तो ये मेरे पास था ऑर्थो और पायरो। अभी मैं साइक्लिक सिलिकेट और सिंगल चेन सिलिकेट की डायरेक्शन में चलता हूँ। तो साइक्लिक और सिंगल चेन सिलिकेट को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप इसको समझे कि जैसे मैं लिख सकता हूँ बेसिक फॉर्मूला, ऐसे ही मेरे पास प्रेजेंट है O, मेरे पास प्रेजेंट है। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ A इज ऑल्सो 2 एंड नंबर ऑफ B इज ऑल्सो 2 बाई 2 और माइनस 2। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो दैट इज ऑफ Si O3 माइनस ऑफ 2। तो ये मेरे पास क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है साइक्लिक सिंगल सिलिकेट या फिर सिंगल चेन सिलिकेट। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, अगर साइक्लिक होगा तो डेफिनेटली जो मेरे पास n होगा उसकी वैल्यू होगी, यानी कि n का मतलब मेरे पास जो नंबर ऑफ चेन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के बराबर होगा, तभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस तरह से मैं सिंगल सिलिकेट या फिर साइक्लिक सिलिकेट या 2D और 3D बना सकता हूं। तो मैं यहां से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा साइक्लिक सिलिकेट से। तो हम देखते हैं साइक्लिक और सिंगल सिलिकेट का क्या फॉर्मूला था। मैं फिर से फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। तो आपको पता है कि बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज ऑफ SiO, और मेरे पास जो साइक्लिक सिलिकेट था उसमें A की वैल्यू थी 2 और B की भी वैल्यू थी 2, तो 2 बाई 2 और माइनस 2 मैंने लिखा। तो अगर इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है दैट इज ऑफ SiO3 माइनस 2। अब आप सोचेंगे कि ये जो फॉर्मूला मेरे पास बना है वो किस तरह का फॉर्मूला बना है। अब आप देखिए, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन जो शेयर्ड ऑक्सीजन है उनका नंबर भी है 2 और जो मेरे पास डेफिनेटली अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उनका नंबर भी है 2। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन यहां से कनेक्टेड है इस तरह से, जैसे ये ऑक्सीजन जो मेरे पास है वो बाइवेलेंट हो जाए, ये भी ऑक्सीजन बाइवेलेंट हो जाए, तभी मेरे पास बी की जो वैल्यू थी वो 2 आएगी और जो मेरे पास दो ऑक्सीजन है मोनोवेलेंट वाले वो इस तरह से आ जाए। अब आप इसको देखेंगे कि सिंगल अगर मेरे पास और सिलिकेट चेन कनेक्ट होती जाए तो ये जो मेरे पास शील्ड बनने वाली है वो सिंगल चेन सिलिकेट, मतलब यहाँ पर भी सिलिकॉन आ जाए, यहाँ पर भी सिलिकॉन आ जाए और फर्दर ये कनेक्ट होता जाए तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंगल चेन सिलिकेट। और अगर यही स्ट्रक्चर मेरे पास रिंग की फॉर्म में बन जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एन इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 हो, तो मेरे पास ये चेन सिलिकेट भी बन सकता है। बट चेन सिलिकेट हो या फिर मेरे पास सिंगल सिलिकेट हो, दोनों में ही जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो SiO3 माइनस 2 होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से मेरे पास फॉर्मूला बनता है और कैसे मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ स्ट्रक्चर को। अब अपन चलते हैं 2D सिलिकेट पर। तो 2D सिलिकेट जो मेरे पास होता है उसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। तो 2D सिलिकेट में अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला दैट इज ऑफ SiO मेरे पास बनेगा, B की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 3 बाई 2 प्लस A की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले में लिखता हूँ सिंपल सा, तो मेरे पास बनता है Si, ऑब्वियसली बात है कि 3 बाई 2 से मेरे पास हो गया 1.5 प्लस 1 2.5 हो गया और 2.5 ऑफ माइनस 1। अब डेफिनेटली कोई भी कंपाउंड इस फॉर्म में तो नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो मेरे पास डेफिनेटली मैं इसको मल्टीपल कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बेसिक फॉर्मूला जो मेरे पास होगा Si 2 माइनस। तो सिंपल सा आपके पास जो 2D सिलिकेट बनेगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारे जो ऑक्सीजन होंगे मेरे पास इस तरह से शेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो आपके पास जो शीट बनेगी 2D, ऑब्वियसली बात है जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है 2D बनने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि शेड ऑक्सीजन और अनशेड ऑक्सीजन कितना होता है। अभी हम चलते हैं 3D सिलिकेट की डायरेक्शन में। तो 3D सिलिकेट कैसे अपने पास बनेगा, उस 3D सिलिकेट को हम देखते हैं कि 3D कैसे बनाया जा सकता है। तो 3D सिलिकेट में अगर अपन देखें तो 3D सिलिकेट में आपके पास डेफिनेटली बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एक छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास दैट इज ऑफ SiO और आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन जो होगा दैट इज ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 और अनशेयर्ड जो होगा वो 0 और यहाँ पर आपके पास जो चार्ज आने वाला दैट इज ऑल्सो 0। तो आपके पास सिंपल सा जो फॉर्मूला बनने वाला दैट इज ऑफ SiO2। तो आपके पास सिंपल सा 3D जो अपने पास सिलिकेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, SiO2 का बेसिक फॉर्मूला होगा। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक ऑक्सीजन इस साइड से शेयर होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड से, एक ऑक्सीजन इस साइड से और एक ऑक्सीजन इस साइड से। तो अगर आप इसको देखेंगे दैट इज ऑफ SP3 और
sp3 में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नॉट ए 2D स्ट्रक्चर, तो उसी 3D को अपन यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होप सो आपके पास एक बहुत ही आसान तरीका था किसी भी फॉर्मूले को समझने का। तो फॉर्मूला ये था कि ओम प्रकाश सर ने सिविल सर्विस एग्जाम दिया और उसकी उनकी 23 रैंक आई, तो ओपी सी और सिविल सर्विस से सीएस और 23, मतलब ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, शीट सिंगल चेन सिलिकेट, 2D सिलिकेट और 3D सिलिकेट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला जो मेरे पास था दैट इज ऑफ SiO(a+b)2 की पावर माइनस ए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। आपको बस इतना सा देखना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी। तो मैंने बताया कि ए का मीनिंग अपने पास है कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बी का मीनिंग है अपने पास, सॉरी ए का मीनिंग है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बी का मीनिंग है अपने पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी थी और सीधा आप बेसिक फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का ट्राई करता हूँ, इससे आपको जो भी टॉपिक आपने हमने बताया वो आपको आराम से समझ में आ सके। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा शानदार क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमें बता सकता है कि किस तरह से यहाँ पर सिलिकेट का क्वेश्चन बनता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और पूरा देखते रहे तो आप समझ लेना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी है, और अगर आपने उसको राइट डाउन नहीं किया तो मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस मैंने कहानी सुनाई, आपने कहानी सुनी। तो अगर सिलिकेट के टफेस्ट क्वेश्चन को जो जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहते हो तो आप समझे मेरी जो भी शॉर्ट ट्रिक थी उसको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। Si2O7-6Na(OCl) व्हेन, तो Si2O7-6Na(NaCl) कब बनेगा, आप इस चीज को समझे। अगर आप बेसिक फॉर्मूले पे जा सकते हैं तो आप बेसिक फॉर्मूले पे जाइए। तो बेसिक फॉर्मूले में अपने पास था SiO A+b/2 की पावर माइनस ऑफ ए, तो आप इससे कंपैरिजन कीजिए, डेफिनेटली मेरे पास Si और O का जो वैल्यू है वो सिंगल फॉर्म में रहना चाहिए। ये मेरे पास 2 सिलिकेट की कॉम्बिनेशन से बनने वाला कंपाउंड है, तो डेफिनेटली मैं एक बेसिक जो फॉर्मूला था उस पे जाऊंगा। तो मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ तो क्या होता है कि SiO 3.5 ऑफ माइनस ऑफ 3, ये मेरे पास जो था वो कंपाउंड बन रहा था। तो अगर आपने वीडियो को देख लिया समझ लिया तो आपको पता चल गया होगा कि इट इज ऑफ पायरोसिलिकेट, और पायरोसिलिकेट को याद रखने का आपके पास शॉर्ट ट्रिक था ओपी सर से। तो ओपी सर ने सिविल सर्विस एग्जाम दिया विद 23 रैंक उनकी आई, तो ओ और पी, तो मतलब मेरे पास था पायरोसिलिकेट और पायरो में आपके पास शेयर्ड ऑक्सीजन का जो नंबर था दैट इज ऑफ 0, ऑर्थो में था 1, पायरो में था, तो आपके पास सिंपल सा आंसर मेरे पास है 1 ऑक्सीजन ऑफ ए SiO4 टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड विद अनदर SiO4 टेट्राहेड्रल, तो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो आप देखिए कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं एक जेईई एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरह से जेईई एडवांस का क्वेश्चन आता है और उसको समझना है कि सिलिकेट से रिलेटेड है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप मेरी ट्रिक टेक्निक समझ गए हैं और सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो मैं एक और एक्सक्लूसिव फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं कि कैसे एज अ टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, सिलिकेट एनायन इन द मिनरल कायनोइट इज ए चेन विद एडजेसेंट टेट्राहेड्रा, the mineral also contain calcium plus 2 ion, copper plus 2 ions and water molecule in a ratio of 1:1:1, mineral is represented as। तो आपको लगने में ऐसा लग रहा है कि ये सिलिकेट का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में ये सिलिकेट का क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको आराम से समझा सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। अगर आप सिलिकेट की स्ट्रक्चर निकालने चले गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको इसके लिए और शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा बस इतना सा ध्यान रखिए, एक बेसिक फंडा जो आपके पास होता है वो होता है कि कोई भी मेरे पास कंपाउंड जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो आपको बस इतना सा चेक करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मेरे पास न्यूट्रल है। अगर ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करें अपन तो बिल्कुल सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, बस वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। बस मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक इस तरह से है कि मेरे पास कैल्शियम का जो आयन है उस पे चार्ज है +2 और कॉपर जो मेरे पास उस पे भी चार्ज है +2, सिलिकॉन जो मेरे पास है Si3O10। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम में मेरे पास +2 है
और मेरे पास नंबर ऑफ टोटल एटम इज 2, कॉपर पे मेरे पास प्लस 2 है और नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो 2, और सिलिका की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें इसका चार्ज होता है 4 माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर आप इस टोटल पॉजिटिव चार्ज को देखोगे दैट इज ऑफ 20, और ऑक्सीजन में जो मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑल्सो 20। तो आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल नेचर होता है। यहाँ पर मेरे पास इन दोनों ऑप्शन में मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, बट मेरे पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज ऑफ थर्ड। उसका रीजन ये है कि उसने बोला है कि जो मेरे पास कैल्शियम कॉपर और वाटर जो है वो 1:1 की फॉर्म में है, यहाँ पर जो रेशियो है दैट इज ऑफ 2:1 और यहाँ पर जो रेशियो है दैट इज ऑफ 1:1। तो इसीलिए मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बिना सिलिकेट के, बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर के नॉलेज के, आप आराम से सिलिकेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना ये वीडियो कैसा आपको लगा, जरूर हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली उसके लिए लव जरूर करें आपके अपने फेवरेट चैनल नीट बाबा जी पे। ओके, थैंक यू।